बहुत नजर आ रहा है, बट इस गोलमाल में आप कहाँ फिट होती हैं? गोलमाल में मैं फिट होती हूँ, सोचने वाली बात है, अच्छा क्वेश्चन है, कल तक आंसर दे दूँगी सोच समझ के। गोलमाल में हर एक फिल्म में एक लड़की चाहिए हीरोइन, जिसके पीछे लड़के होने चाहिए, हीरोइन अकेला तो काम नहीं करेगी ना, कुछ क्या करेंगी अकेली, तो उसके पीछे लड़के होने चाहिए, लड़के उसके पीछे लगने चाहिए, थोड़ा सा कुछ मजाक मस्ती होना चाहिए, वही है फिल्म में। अनुभव अच्छा रहा, क्योंकि इसके पहले भी दीवाने पागल में चार लड़के दौड़ चुके हैं, हंगामे दो लड़के दौड़ चुके हैं, तो सिर्फ फिल्मों में ही दौड़ते हैं, रियल लाइफ में कोई नहीं दौड़ता है, कोई चलता भी नहीं है फिल्म रियल लाइफ में, तो इसलिए इतना इंटरेस्टिंग है नहीं कुछ रियल लाइफ में फिल्म नहीं। रोल बहुत स्वीट सा है, पड़ोसन है वो परेश जी की, हमेशा भिखारी की तरह अचार मांगने आ जाती है कि अचार दो अचार दो, पैसा नहीं है अचार खरीदने का मुझे समझ में नहीं आज तक ये अचार ही क्यों मांगते, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, तो आ जाती है अचार मांगने, तो चारों लड़के देखते हैं उसके घर पे रहते हैं, परेश के घर पे रहते हैं चारों लड़के, तो देखते हैं लड़की को, लड़की खिड़की से देखते हैं लड़की को, तो ऐसे ही कॉमेडी ट्रैक है। कॉमेडी फिल्म्स आर वेरी लकी फॉर मी आई थिंक, बट आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी मोर कॉमेडी फिल्म राइट नाउ, आई विल डू ओनली वन और टू, बट नॉट जैसे सब कॉमेडी फिल्में आ रही है वैसे नहीं करूँगी मैं। आई हैव नो आइडिया, बट आई डोंट वॉन्ट टू डू सीरियस रोल्स राइट नाउ, आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क विद गुड डायरेक्टर्स, गुड बैनर्स, एंड आई एम रेडी टू डू एनी काइंड ऑफ, आई मीन आई वॉन्ट टू डिफरेंट काइंड, डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, I'm just waiting for the right opportunity now. But I don't want to do so many comedy films. मुझे लगता नहीं मैं किसी एंगल से प्रोस्टिट्यूट लग सकती हूँ, मतलब मेकअप वाइज कपड़े वाइज भी, मतलब वो चीज़ें नहीं है, वो एलिमेंट एक जितने भी एक्ट्रेसेस प्रोस्टिट्यूट का कैरेक्टर निभा चुकी है ना, उनके सभी एक्सपीरियंस एक्ट्रेस हैं, कोई भी नई एक्ट्रेस शायद आज तक प्रोस्टिट्यूट का कैरेक्टर निभाया नहीं, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट का कैरेक्टर अगर आप निभाओगे ना, तो उसके लिए एक्टिंग टैलेंट इम्पॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंसड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रोस्टिट्यूट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो लेकिन बीच में कुछ गलत एक्सप्रेशन दे दिया तो कैरेक्टर से निकल जाते हैं, तो उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है और अच्छा डायरेक्टर होना ज़रूरी है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ प्रोस्टिट्यूट का कैरेक्टर अगर अच्छे ढंग से आप शूटिंग करते हो, अच्छा डायरेक्टर रहता है और आप अगर एक्सपीरियंस्ड हो तभी जाके हो सकता है, अदरवाइज मैं इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी में ले सकती हूँ। ज़रूर अगर डायरेक्टर अच्छा होगा तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर मैं करूँगी तो इतनी एक्सपीरियंस में हूँ नहीं, दो साल में इतना एक्सपीरियंस मैंने गैदर किया नहीं, तो बीच में एक दो ऐसे एक्सप्रेशन दे दूँगी जो कि नॉर्मल में कॉमेडी फिल्म में देती हूँ, तो क्या पूरा कैरेक्टर का सत्यानाश हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए, अच्छे डायरेक्टर मुझे मिल जाए, उनको मैं ट्रस्ट कर पाऊँ, तभी मैं करूँगी। मल्टी स्टार फिल्म आर क्वाइट सेफ फॉर एवरीबडी, कुछ भी होता है किसी के ऊपर कुछ जाता ही नहीं है। सोलो रोल्स तो मैं करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी फिल्म में काम करूँ सब में एक लड़की या मैक्सिमम दो लड़की, उससे ज़्यादा लड़की नहीं है, तो आज तक मैंने किया भी नहीं, तीन लड़की वाला प्रोजेक्ट मैंने आज तक किया नहीं। सोलो रोल में करना चाहूँगी, मतलब पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर नहीं लूँगी कि मैं ही मैं हूँ फिल्म में, मैं कोई मतलब तिरी मार, तो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, चिड़ी मार या क्या बोलते हैं, हाँ तीस मार का, हाँ मैं कोई 30 मार का तो हूँ नहीं कि मुझे देखने ऑडियंस आएंगे दो साल में, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हो जाऊँ, थोड़ा सा ऑडियंस को पसंद आने लगूँ, फिर मैं शायद ऐसी फिल्म करना चाहूँगी जिसमें सिर्फ मैं ही मैं हूँ। बहुत ही कॉमेडी फिल्म है, मतलब क्या है, मैं हमेशा सबके साथ प्रैंक खेलती रहती हूँ, चाहे वो गोलमाल का सेट हो या किसी और का सेट हो, मैं हमेशा प्रैंक खेलती रहती हूँ, लेकिन गोलमाल में से ज़्यादा किया, क्योंकि गोलमाल में सब लोग बहुत यंग हैं, बहुत फन लविंग हैं, तो इसलिए स्कोप ज़्यादा था यहाँ पे प्रैंक खेलने का, और काम करते टाइम सब लोग बहुत सीरियस थे, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने बहुत मज़ा किया। कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे पर्टिकुलरली जो बहुत
बहुत मज़ा आया हुआ। ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं है, लेकिन हम लोग कभी कोई सोता था रात को तो उसके दरवाजे पे लात मार के चले जाते थे, तो मतलब वो जग जाता था, फिर बाहर आके देखता था कौन है, तब तक हम लोग जा चुके थे अपने अपने रूम में। तो ऐसे शरारत करते रहते थे हम लोग। मेरा सिर्फ एक ही सॉन्ग इसमें रह जा रहे, जिसमें मैं डांस कर रही हूँ सबके साथ डांस कंपटीशन, विच इज़ माई फेवरेट सॉन्ग। आई थिंक गोलमाल गोलमाल, एवरीथिंग्स गोना बी गोलमाल। थैंक यू। थैंक यू।